दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ है अयाज खान जी, भोजपुरी फिल्म खलनायक। कैसे हैं अयाज जी? बहुत बढ़िया हैं, और आप सभी लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, दुआएं हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में एक बेनेटी में बैठा हूं, और हम अयाज जी से जानते हैं क्या यहां क्या कुछ शूट कर रहे हैं। यहां पे जो है हम फिल्म का एक सीन है शूट करेंगे, एक अभी जो है गाँव के पंचायत का सीन है, एक पुलिस चौकी का सीन है। हम रेडी हैं मेकअप करवा के, अभी कुछ देर में लोग आएंगे, एसोसिएट एडी लोग हमें ले जाएंगे लोकेशन पे। और फिल्म का टाइटल बता दूं आप लोगों को, रंग दे प्यार के रंग में मोहे सजना। और बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही है, कोशिश यही है, प्रयास यही है। फिल्में तो बहुत बन रही हैं, लेकिन उनमें से एक अच्छी फिल्म बन रही है। इस फिल्म में जो है हीरो है नए हैं संग्राम सिंह, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और इस फिल्म के जो है हीरो भी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा नेचर है। सभी जो भी जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेस आए हैं उनके, या पूरी जो टेक्नीशियन टीम है सबका वो पूरा अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं और अच्छा शूट हो रहा है। अरे जी, आपने बोला अभी मैंने मेकअप किया था, आपको मेकअप करने की क्या जरूरत पड़ गई? आप तो ऐसी हैंडसम खूबसूरत हैं। हाँ, मेकअप से ही बात तो सर, ये तो सभी लोग बोलते हैं कि आप मेकअप क्यों करवाते हो। कभी कभी, अच्छा सर बता दूँ, कभी कभी मेकअप नहीं करवाता हूँ, और कभी कभी करवा लेता हूँ कि जो है क्या होता है सीन वैसा सिचुएशन आता है तो सीन के हिसाब से हमें कुछ थोड़ा सा 19-20 करना होता है। और क्या होता है कि जो कैमरा होता है ना, कैमरे के हिसाब से भी करवाना होता है, कैमरे के लिए भी थोड़ा सा मेकअप मांगता है। कभी थोड़ा सा आई लाइनर पेंसिल वेंसिल थोड़ा सा करना पड़ता है। हमारे मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-4-5 मिनट लगते हैं। अभी दिसंबर चल रहा है और आज मुझे लगता है 8 तारीख है, 8 दिसंबर है। 8 दिसंबर, 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आप कहाँ कहाँ जाए, दर्शकों को बताएं किस फिल्म में। मैं इससे पहले था अभी काठमांडू था, शायद मेरे जो ऑडियंस है फैन है उनको पता भी होगा कि मैं तो अपडेट्स करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अयाज खान ऑफिशियल के माध्यम से, अपने जो है इंस्टाग्राम आईडी अयाज खान एक्टर के माध्यम से, फेसबुक पेज भी अयाज खान। तो वहाँ से मैं सबको जो है शो ऑफ करता रहता हूँ कि इससे पहले मैं मऊ में था, मऊ से फिर मैं काठमांडू गया। फिल्मों का नाम जब बताते रहे कि कौन कौन फिल्में कहाँ कर रहे थे। मैं जो है जो फिल्म करने गया था अभी काठमांडू में किंग था, और उससे पहले मैं जो मऊ में कर रहा था उसका नाम था रंगीला। फिर जो है मऊ से निकला मैं जो है काठमांडू गया, वहाँ से करके फिर मैं ये फिल्म करने आया, रंग दे प्यार के रंग में सजना, आपको बताया ही। तो फिल्म के हीरो नए हैं और काफ़ी टाइम बाद वो रीलॉन्च हो रहे हैं, कैसा लगा उनके साथ काम करके? अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंसान में जो है वो सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो नए हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, प्रयास कर रहे हैं और जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे, समझा रहे, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि कोई भी इंसान आता है तो फर्स्ट फिल्म से ही या स्टार्टिंग से नहीं वो जो है उस चीज़ में पंक्चुअल या मतलब परिपक्व हो जाता है, कोई भी हो, चाहे अमिताभ बच्चन जी क्यों ना। तो आज वो इतने परिपक्व हो गए हैं कि स्टार्टिंग में लोग उनको भी बोलते थे क्या हीरो है क्या बोलता है, सुनना है हमने, और आज देखिए। तो कोई भी चीज़ जो है जब पकाया जाता है ना तब वो बन के तैयार हो जाता है। तो भी अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसी प्रयास करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो रोड बहुत अच्छा करेंगे। और इस फिल्म में कौन कौन से कलाकार आपके साथ हैं? इस फिल्म में जो है तनुश्री जी हैं और संजय पांडे जी हैं, प्रकाश जैन जी हैं, मैं हूँ, और भी भोजपुरी के बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार हैं। सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री का लॉकडाउन के बाद बहुत अच्छा दौर चल रहा है, क्या कुछ रहेगा नया साल में? देखिए बात यही कि वो देखिए फिल्में तो बहुत बन रही हैं, थोड़ी सी जो है फिल्मों में जो है क्वालिटी और जो है फिल्मों में जो है डिफरेंस होना चाहिए, एकरूपता नहीं होना चाहिए। फिल्में बनना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, फिल्में बन रही हैं, बहुत फिल्में बन रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात मालूम क्या होना चाहिए, अच्छी फिल्में बनना, मतलब हमारे कहने का मतलब कोई भी चीज़ ऐसे ना बढ़े, ऐसे ना ऊंचाई जाए। तो मेरे हिसाब से जो है फिल्में बनाएं, लेकिन कोशिश करें कि अच्छी फिल्में बनाएं, क्योंकि हम बना रहे हैं, हम खुद को देखने के लिए नहीं बना रहे, हम गिनती गिनाने के लिए नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं अपने दर्शकों को दिखलाने के लिए। तो हम जब कोई चीज़ दूसरे को दिखलाने के लिए बनाते हैं तो हमें कुछ अच्छा बनाना होता है, तभी तो हमारी फिल्म देखेगा, क्योंकि 10 लोग फिल्में बना रहे हैं तो कंपटीशन हो रही है, तो उसमें हमको कोशिश करना चाहिए कि अच्छी फिल्म बनाए, कुछ अलग फिल्म बनाए। फिल्म में डायरेक्टर साहब शुक्ला जी हैं, आर के शुक्ला जी, फर्स्ट टाइम आप शायद काम कर रहे हैं। जी, शुक्ला जी साहब फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके? बहुत अच्छा रहा सर, नो डाउट,
बहुत ही मतलब कूल और जेंटल पर्सन है, और आप लोग बता दें कि वो प्रधानाचार्य भी हैं, तो जैसे कैसे जो है प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कितना डाउन टू अर्थ रहता है, कितना कूल रहता है, तो उसी हिसाब से उनका नेचर बहुत ही है, सबसे बड़ा क्लोजली पोलाइटली बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी सीन समझाते हैं, तो मतलब होता है कि बहुत बहुत नो डाउट बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, और कोशिश रहेगी कि आगे भी उनके साथ काम करें। फिल्म में ग्लोरी मोहंता और अभिनय इसमें एक्टिंग के साथ साथ वो आइटम सॉन्ग कर रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे? ग्लोरी जी के साथ मैंने बहुत सारे जो है काम किए हैं, और यामिनी सिंह भी जी हैं फिल्म में, यामिनी जी भी हैं, वो भी जो है इस फिल्म में जो है स्पेशल सॉन्ग कर रही हैं दोनों लोग। तो मैं बता दूँ कि ग्लोरी भी के साथ मैंने बहुत सारे गाने किए हैं, बहुत सारे हमने फिल्में भी किए हैं, बहुत ही हंसमुख है, और हमेशा जो है मतलब होता नहीं एक जो है ऐसा पर्सन जो मजाक मस्ती वाला और तो जायफुल वाला बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, और नोडर बहुत अच्छी डांस है, आयाज और ग्लोरी की जोड़ी भी अच्छी अच्छी लगती है दर्शकों को। जी जी बहुत 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 हाँ। और वो भी काम तो ऐसा दोनों को एज ए हीरो हीरोइन सोचना चाहिए कोई पिक्चर में। अब आप ही सोच लो और क्या, आप भी तो सुना एक फिल्म प्रोड्यूस की हो तो दूसरी फिल्म प्रोड्यूस कर दो और क्या, पक्का पक्का प्रोड्यूस कर दो। चलिए हम लोग कल रात से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे, कल रात हीरो हीरो अयाज खान और हीरोइन ग्लोरी मोहंता रहेगी। फिल्म के शूटिंग लखनऊ में कर रहे हैं, कैसा, हमेशा आप तो लखनऊ में रहते हैं लेकिन क्या कुछ खास है यहाँ के दर्शकों में, कितना परेशान करते हैं या सपोर्ट करते हैं सिनेमा को लेके? यहाँ पे जो है दर्शक जो है बहुत कूल है, अच्छे हैं, परेशान कम करते हैं दर्शक, तो जो परेशान करते हैं परेशान नहीं करते, उनको जो देखने की ललक होती है ना कि हम आगे आगे से देखें आगे से देखें, तो वो चाहत होती है इस वजह से, और चूंकि थोड़ी सी लखनऊ में जो है भोजपुरी की ऑडियंस कम भी है, देखिए उसमें क्या कहना चाहिए कि हमारे यहाँ थोड़ा सा भोजपुरी कम चलती है लखनऊ में, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे भोजपुरी हमारे जितने भी जो है कलाकार उनके फैंस फॉलोइंग हैं जानने वाले हैं आते हैं दर्शक आते हैं, हम भी कहीं रुक जाते हैं तो आ जाते हैं दर्शक फोटो खिंचाने के लिए, तो खुशी होती है, लेकिन यहाँ कम है, लेकिन जितने भी हैं बड़े कूल हैं अच्छे हैं, और हम तो हमेशा चाहेंगे दर्शक जो है हम लोगों को हमेशा जिस चाहे जिस शहर में रहें उनका प्यार मिलता रहे, और लखनऊ तो जो नो डाउट यूपी का जो है योगी जी का शहर इस वक्त उत्तर प्रदेश बना हुआ है, और भोजपुरी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं योगी जी, फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, इस पर अभी क्या कहना है? देखिए फिल्म सिटी के बारे में उतना तो उतना मैं भी सुना हूँ, देखिए अभी सुना हूँ, और जब इसकी प्रारूप जो है तैयार होने लगे, मतलब बनने की प्रारूप, जो कागजी नहीं प्रारूप, कागजी प्रारूप तो शायद सुना तैयार हो गई है, अच्छी बात है। देखिए कोई भी चीज़ हो या कोई भी सरकार हो, वो देश हित हमारे गांव समाज और हमारे लोगों के हित की बात करें तो अच्छी है। हम जो जनता है, हम जो किसी भी पार्टी को चुनते हैं और किसी भी पार्टी के नेता को, तो हम इसलिए चुनते हैं कि ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमारी सेवा करेगा, ये हमारी दुख दर्द हमारी परेशानियों को समझेंगे। हम नेता इसलिए चुनते हैं ना कि हम लाखों में एक चुनते हैं कि हम इनसे अपनी परेशानियों को बताएंगे और ये हमारी परेशानियों को समझेंगे और उस परेशानियों को दूर करेंगे, चाहे वो रोजी रोजगार का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। आपके भाई देव सिंह जी नमस्कार बोल रहे हैं आपको। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देव सिंह और अयाज खान की लास्ट फिल्म कौन सी थी? मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है काफी समय हो गया, हमें लगता है कि पवन भाई की एक फिल्म थी, हम लोग शूट कर रहे थे रांची में, वो लास्ट फिल्म थी, उसके बाद शायद हम लोग जो है नहीं कर पाए, वो भी व्यस्त रहते हैं हम भी व्यस्त रहते हैं। और अवधेश मिश्रा जी के साथ लास्ट फिल्म? अवधेश मिश्रा जी के साथ भी जो है लास्ट फिल्म जो है काफी समय हो गया, काफी समय हो गया, लेकिन हम लोगों की ऐसी मुलाकात तो होती रहती है मुंबई में चाहे कहीं। मुझे लगता है तीनों को एक एक साथ फिल्म में करनी चाहिए, और फिल्म का नाम था उन्होंने मैसेज किया पवन राजा। हाँ राइट, ये सही है, पवन राजा ने दिया था लास्ट, पूरे खलनायक को मिल के एक बड़ी फिल्म बनानी चाहिए। बिल्कुल, कौन बनाएगा, आप बनाएंगे? प्रोड्यूसर अयाज खान रहेंगे, डायरेक्टर देव सिंह हो जाएंगे। हाँ ठीक है। और हीरो जो है संजय भूषण जी हो जाएंगे। नहीं हीरो मैं नहीं रहूंगा, मैं स्पोर्ट बॉय रहूंगा आप लोगों का। सिनेमा और कौन कौन सी इसके बाद करने वाले हैं आप? सिनेमा भी तो एक और मैं कर रहा हूँ, कमांडो कर रहा हूँ अभी, वो भी नेपाल में जाना है मुझे, वो कर रहा हूँ, उसके बाद एक बनारस में शूट कर रहा हूँ, बहुत सारी चूँकि फिल्में भी इतनी कंटिन्यू शुरू हो रही हैं अभी, चूँकि पहले पहले क्या होता था लॉकडाउन से पहले हम मुंबई में रहते थे और उसके बाद जो है
पता चलता था, तो ऑफिस में मीटिंग होती थी, आना जाना होता था, पता प्रॉपर पता चलता था, शेड्यूल पता चलता था प्रॉपर, जो है फिल्म की जो है नाम क्या है, टाइटल क्या है, सब लोग क्योंकि ऑफिस में आते थे, सारे लोग बैठते थे, मीटिंग चर्चाएं चलती थी, तब फिल्म शुरू होती थी। अभी क्या होता है, कॉल्स आता है, भैया हम वो फिल्म शुरू कर रहे हैं तो करना है, तो उस पर हम फोन कॉल्स पे वो भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे और हम भी कहीं ना कहीं बिजी रहते, तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। तो नाम के लिए बात बता रहा हूँ, तो अभी थोड़ी सी जो है फिल्में जो बन रही है उतनी डिस्कशन नहीं हो पाती कि इसमें जो है कवर कितना स्टार कास्ट है क्या क्या, उसमें जब वहाँ थे तो पूरी पता चलता था कि कौन कौन यूनिट में है, कितने तारीख से शुरू हो रही है, कौन कब आ रहा है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता। फ़ोन पे जो लोग सिर्फ उनकी अपनी बात होती है कि सर ये फिल्म कर रहा हूँ, उतने तारीख से इस शहर में कर रहा हूँ, इतने तारीख को आपको आना है, तो सर क्या डेट है आपके पास, तो ये थोड़ा सा इस वजह से जो है फिल्मों का नाम बता पाना, सारी फिल्मों का नाम बताना पाना मुश्किल है। देव जी का मैसेज आया है, अवधेश जी के साथ कोई अपने नेपाल में फिल्म किए हैं? हाँ, लेकिन जो है वो साथ में कोई हमारा सीन नहीं था, अभी कोई सीन नहीं था। हाँ, वो हम साथ की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने किया था अभी एक साथ में फिल्म, लेकिन जो है वो थे भी नहीं, हम अवधेश भी चले गए, फिर मेरी मैं आया नेपाल, तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि हम लोग एक साथ का जो सीन की बात कर रहे हैं, फिल्म तो किया अभी भी नेपाल में, जो यश भाई जो कर रहे हैं। खेसारी पवन दिनेश की लास्ट फिल्म कौन थी आपकी? अभी जो है पवन भाई की फिल्म खेसारी भाई के साथ भी मुझे लगता है कि फिल्म किया था, बागी किया था, और दिनेश भाई के साथ तो भी आई मिलर की रात किया, और पवन भाई के साथ अभी जो है मैंने लास्ट किया था कौन सा फिल्म किया था मैंने अभी वांटेड, वांटेड के बाद भी मैंने किया था फिल्म पवन भाई के साथ, वांटेड वांटेड के बाद मैंने फिल्म किया था उनको, शायद वो एक फिल्म की थी, अभी फिल्म वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। तीनों में क्या कुछ अंतर है, तीनों को नेचर बताएं नाम के साथ। देखिए पवन भाई जो है, देखिए तीनों का, एक तो तीन लोगों का नाम अलग है, पवन दिनेश जी खेसारी जी, हाँ। और जो है पवन भाई जो है क्या है कि जो है एकदम जो है जॉली मूड के, जो मुंह में रहता है वो जो है बोल देते हैं, जहाँ तक दिनेश भाई क्या है, तो दिनेश भाई जो है थोड़े से गंभीर है, हाँ गंभीर रहते हैं, वो भी हंसी मजाक करते हैं ऐसा नहीं है, थोड़ा गंभीर गंभीर रहेंगे, और खेसारी भाई भी जो है मजाक मस्ती वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है, सेट पे वो भी रहते हैं तो वो भी ओपनली मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, तो सिमिलरिटी है। देखिए एक्टर जो सब में सिमिलरिटी होती है, हमारे आप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होती, कुछ हर इंसान में कुछ चीज़ों का फर्क, आप भी खाते हो हम भी खाते हैं, आप भी पहनते हो हम भी पहनते हैं, आप भी हंसते हो हम भी, 19-20 का ही फर्क होता है, और फर्क क्या होता है, सिर्फ वो थोड़ी सी सोच की, कोई ज्यादा हमेशा हंसता रहता है, कोई कम हंसता है, हंसते तो सब है, तो विभिन्नताएं किसी में बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा किसी में, किसी भी एक्टर की बात कर रहा हूँ, विभिन्नताएं बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, जैसे हीरो लोग में भोजपुरी में अफेयर्स काफी चल रहे हैं हीरोइनों को लेके, क्या तो क्या विलेन में किसी का अफेयर चल रहा है आपका? मेरा तो किसी से नहीं चल रहा है। अच्छा, अब उधर से किसी का चल रहा है तो हमको क्या पता, मतलब विलेन केवल नाम के लोग बोलते हैं, खलनायक है, पर्दे पे गंदा काम करता है, लेकिन रियल लाइफ में कोई अफेयर नहीं चल रहा है? नहीं, रियल लाइफ में कोई अफेयर, फिल्म में अफेयर तो कोई नहीं चल रहा, ऐसे नहीं चल रहा, हमें हमें एक अच्छी लड़की की तलाश है, कोई अच्छी लड़की मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जाते हैं दर्शकों, कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना कहना चाहूँगा कि मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं, आप लोग से यही निवेदन करूँगा कि जो है आप लोग भोजपुरी फिल्मों को देखें, बहुत सारे लोग देखते हैं भैया हम साउथ की फिल्में देखते हैं, देखते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप भोजपुरी है, आप भोजपुरी फिल्मों को सपोर्ट करो, आज जो भी इंडस्ट्री, भी पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आज इंडस्ट्री जो टिकी है, जो इंडस्ट्री चल रही है, वो हमारे आवाम, हमारे जनता और हमारे दर्शकों की वजह से, तो सो प्लीज़ आप लोग जो है हमारी भोजपुरी फिल्मों को देखिए, उसको आगे बढ़ाइए, और हमारी ये प्रयास रही कि हम अच्छी अच्छी फिल्में बनाएँ और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, पेश करें, और आज मैं जो भी हूँ आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, दुआओं से हूँ, मैं यही चाहूंगा कि मरते मरते जब तक मरूँ ना तब तक आप लोग ऐसे ही प्यार करते हैं।